हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आई होप यू गाइस लाइक द प्रोफेशनल व्लॉगर सिनेमैटिक्स एंड क्या मज़ा आया गाइस ये रिकॉर्ड करने में, क्या बताओ आप लोग। एनीवेज, अभी मैं पिंक कलर का पिंकी बॉय बन के जा रहा हूँ टू मीट अन्ना। उन्होंने 2:30 टू 3 o'clock आने बोला था एंड मैं 2:30 निकल रहा हूँ यहाँ से। आई एम लेट अगेन, फटाफट जाता हूँ गाइस अन्ना के पास। नीड टू बी एट जुबली हिल्स रियली क्विक। व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ओपनिंग आप लोगों ने देख ही लिया था एट फर्जी कैफे। अभी हम लोग अन्ना के कार का पीपीएफ कराने जाने वाले हैं एंड द कार इज रेडी। कार रेडी के साथ साथ एक अपडेट है, गाड़ी का दरवाज़ा गए टूटा है। ये वहीं से मतलब हुआ, होके आया था या वहाँ पे ही हुआ? इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ओके, तो वो डोर का पीस जो है इट इज सिंगल ब्लॉक एल्यूमिनियम। Oh my god. I'll send you the photo, you can show it on stream. Okay. So single block aluminium is, it's casting. Okay. It's not an electronic thing, it's a mechanical item. Huh. और अभी जो भी नया गाड़ी है, let it be Mercedes, BMW, जो भी है, the door opening mechanism is electronic. Yes. But Ferrari is still old school. Okay. They're still using a mechanical part to open it. Okay. तो वो mechanical part जो arm रहता है, जो door को open करता है, see if you come on this side, अरे बाप रे। So door को क्या है ना, there is no C pillar. Yes. There's something called as C pillar that comes here. Yes. Which sticks onto the this thing. Yes. So when you do this, the first action is for the door to come down and then the door to open. Okay. तो उसके लिए they have this arm. Yes. Which is fortunately cracked in the showroom. Okay. तो वो टेप्ड है लेकिन इट्स परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज। ह्यूमन एरर है कास्टिंग। इफ यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर इट इज देयर इन योर फर्स्ट ईयर। तो पीपल आस्क मी हाउ कैन आई यूज माय एजुकेशन इन रियल लाइफ, दैट्स हाउ यू यूज इट। अगर उसको चॉइस में छोड़ दिया तो ऐसा डोर हैंडल बनेगा। तो चॉइस में मत छोड़ो और उसके उसके लिए पढ़ो। yes. और प्रैक्टिकली करो। सो गाड़ी को लेके भी हम लोग जाने वाले हैं एंड कुछ सिनेमैटिक्स आप लोग देखना, यू गाइस विल एंजॉय इट। कार में कुछ अपग्रेड्स हैं जो बहुत जल्दी होने वाले हैं। द टायर्स विल बी चेंज, उसका अवेलेबिलिटी होगा। उसके बाद द व्हील्स आर गोना बी चेंज, तो वो भी अभी नहीं मिला बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ एल्यूमिनियम, जो अन्ना ने बताया अपने व्लॉग में। और अभी हम लोग चलने वाले हैं, सो वी विल बी गेटिंग अ शॉर्ट ड्राइव फ्रॉम द कार। एंड ये तो ऑफकोर्स गाइज नींबू एंड मिर्ची इज मैंडेटरी। सो आप देख सकते हो कि गाइज ये गाड़ी तो मेरे को कभी भी किसी एंगल से नहीं लगती, दिस इज मोर ऑफ अ स्पेसशिप। आपने सिनेमैटिक्स वगैरह थोड़े बहुत तो इंजन के देख ही लिए थे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर कार्स। एंड अभी हम लोग चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। दो तीन लगेगा बिकॉज अ वेरी वाइड कार। सी नॉर्मली इफ यू आर सिटिंग, वी आर 2-6 foot पीपल। यस, बोथो वी हैव अबाउट व्हाट 2 feet गैप बिटवीन अस। इजीली इजी, बहुत गैप। इट्स अ वेरी वाइड कार, सो नॉर्मली आप कैन में नहीं तो एवेंटाडोर में बैठे हो। यस, देन यू ऑलमोस्ट लाइक स्टिक टुगेदर। लैम्बोर्गिनी में बहुत मतलब स्पेशियस नहीं है। यस, सो फेरारीज आर नोन फॉर देयर वाइड बॉडी, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल एज अ कार। लेग रूम भी इनसेन लेवल, लेग रूम इनसेन है। They sit comfortable. These are regular Daytona seats. I have not taken the carbon fiber one. Uh-huh. Because obviously I want to drive it on a daily basis. And I have no idea where we are going. One second.
तो अन्ना जब तक लोकेशन देख रहे हैं, यू कैन सी गाइस, पहले भी हम लोगों ने एक वो कौन सा वाला कार था ना, रेड कलर का, जिसमें मेरे को उन लोगों ने बैठाया था फरारी के शोरूम में, दैट इज GT4 लूसो, या लूसो, तो उसमें भी बहुत कंफर्ट मिला था, इवन रियर सीट में भी इट डिडंट लुक लाइक कि यू नो वहाँ पे उतना स्पेस होगा, बट देन एक्चुअली फरारीज आर सुपर कंफर्टेबल। मैं लैम्बोर्गिनी में भी बैठा हूँ एक बार, मेरे को इतना कंफर्टेबल नहीं लगा था जितना यहाँ पे लग रहा है, एंड बोथ अन्ना इज इवन टॉलर देन मी, इनसेन लेवल का कंफर्ट है। अभी हम लोग जा रहे हैं, यू हैव दिस वन बटन हियर व्हिच इज कॉल्ड बम्पी मोड, बम्पी रोड मोड। सो उससे क्या होता है ना, द सस्पेंशन हियर इज इट्स कॉल्ड मैग्नेटो एरोलॉजिकल सस्पेंशन। सो द फ्लूइड इनसाइड योर डैम्पर इज नॉट एयर और ऑयल, एनी अदर हाइड्रोलिक फ्लूइड, इट्स प्रॉपर मैग्नेटिक फ्लूइड। उसमें क्या होता है ना, बेस्ड ऑन हाउ द कार इज रेस्पॉन्डिंग, देयर इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज गिवन टू मेक श्योर इफ इट इज टू टाइट और टू लूज, to make your ride more comfortable. It's a Formula One technology which is not being used right now, but it used to be used before, which made its way into road cars. So that is how you are able to see that when you are on a bump and come back down, it's not bouncing back up, it's sticking down. In fact, feel bhi nahi ho raha ki gadde ke upar se ja rahe ho apna, like. So that's how I told you guys that it's a very practical car. People ask me, where do you find roads to drive Ferrari? It can be driven on every road, guys. If you're asking for speed, then yes, there is no country in the world where you can drive fast other than tracks. Yes. So on a regular day-to-day basis, if you want to drive the car, this is very comfortable. You can drive this way. Yes. You don't have to drive at 100, 120 to enjoy these cars. You can drive at regular pace as you drive your regular cars and still have fun with it. Typical, देखो गड्ढे वाले रास्ते guys. So this is one of the very bad roads that I have. But कहीं पे भी कुछ touch नहीं हो रहा, nothing. Able to still manage it. बस थोड़ा प्यार से चलाना पड़ता है. हाँ, that's it. So वही है. And पीछे वाला space आपने देखा ही है. The car has a lot of space सामान रखने के लिए भी. And interior भी आप लोगों ने देख ही लिया. So अभी हम लोग reach करते हैं अपने जिस location पे हम लोग को जाना है. So the guy who owns this place is called Anandit. Okay. He's a very close friend of mine. Okay. And he has started this place not to make money, because obviously he has a lot of money. It's again just for passion. Okay. So he is a supercar owner himself. So he understands what it takes to protect these cars and all that. Okay. So uske liye he has started this PPF technology. Okay. People heard about Ceramic Pro and all that, but they go by the brand. Yes. Like Ceramic Pro का ब्रांड डाल के कुछ भी कर सकते हैं. Yes. But we need the kind of passion that I have for this car. I expect the same thing to be there for people who handle my car as well. Exactly. क्योंकि अभी 3-4 दिन के लिए आपको अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी उनको. Yeah. You will have no clue कि वो लोग क्या कर रहे क्या है, तो वो ट्रस्ट के ऊपर ही होता है टोटली. एंड गाड़ी का साउंड, बाप रे बाप. ये जबकि अभी इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगा हुआ है. दिस इज स्टॉक, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आवर नोविटेक. नोविटेक लगेगा तो 3-4 दिन दूर से पता चल जाएगा कि क्या सीन है. एंड इसका इंजन भी सामने में है, नॉट लाइक कुछ गाड़ियों का आपने देखा होगा कि फरारी इसका पीछे में रहता है. सो जो चला रहा है उसके पीछे में इंजन रखा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं. सेफ एंड साउंड वी रीच. PPF हो चुका है गाइस, पेंट, प्रोटेक्शन, फ्लेम एंड एवरीथिंग. दिस इज अ मैक्लारेन, अन्ना के कार का भी होगा. सो द पेंट इज प्रोटेक्टेड. अभी अन्ना इज फिगरिंग आउट विच वन टू यू नो पुट इन, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन आते हैं, जैसे मोबाइल में टेम्पर्ड ग्लास, मैट फिनिश ग्लास, ये वो रहता है, वैसे इसमें भी रहता है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ प्रीमियम कार्स आर हियर. ये जैगुआर का कोई गाड़ी है, ऑफकोर्स ऑडी आर ए, मजराटी, डिफेंडर. So, a lot of good cars are here, and this is pretty much it. Car ready ho jayega, and I'll be heading towards Mumbai. So, I hope you guys enjoyed the vlog, and
do hit like and subscribe, and don't forget to follow me on my social medias. And again, congratulations to Anna for this wonderful piece of, I don't know, yeah, yeah. Next level, guys. Give the gas to my lighter, make me pull all nighters. I know, surrounded by some diamonds, but you're the one that's shining. I turn around and turn it up.